तवज्जो दिलाओ नोटिस दिए हैं ज़िला बोलान और कच्ची में जो खुश्क साली से मुतासिर हुए हैं उन लोगों के हवाले से कि उनमें कितना अशिया तकसीम किया गया है। अच्छा। तो इस हवाले से जो PTMA ने तफसील दी है, जो जवाब दिया है, उससे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तकसीम के हवाले से क्वेश्चन रेज किया था, जबकि यहाँ पर जो दिया गया डिटेल वो सामान के हवाले से दिया गया है। बेशक PTMA ने सामान भेजा होगा, लेकिन वहाँ जो उन्होंने DC रखा है, कोई सुल्तान बुट्टी साहब हैं, उन्होंने तमाम सामान पे कब्जा किया हुआ है और लोगों में वो तकसीम नहीं कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि जाम साहब भी आ गए। मौजूदा गवर्नमेंट ने तो DCs को बादशाह बना दिया है, वो हमारी बात क्या, हमारे फ़ोन तक नहीं उठाते, तो आम आवाम की बात क्या सुनेंगे। तो इस हवाले से ज़िया साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इस हवाले से आप कुछ तहकीकात करें, इस हवाले से कि जो सामान आपने भेजा है क्या वो मुतासरीन को मिला है या नहीं मिला है, ताकि वो उन लोगों पर थोड़ा सा इन चेक एंड बैलेंस हो और वो बर वक्त लोगों को जो मुतासरीन है उनको रिलीफ मिल सके। शुक्रिया। बड़ा फ्लड आया है इस दफ़ा बलूचिस्तान में, लसबेला में भी बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह PTMA ने अपने रिसोर्सेज से 100% लोगों को फराम किए, जिनमें जो अभी लोगों की जो PTMA के ज़रिए उनकी ज़रूरियात थी वो 100% रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो कंप्लीट हो गई हैं। बाकी जी जिस तरह मैडम ने कहा कच्ची के हवाले से, अभी कच्ची, नसीराबाद, सिब्बी और उस जलमक्सी में DCs ने हमें जो लिस्ट भेजी है तकरीबन नॉन फूड आइटम्स, वो तमाम हम 500 भेजी हैं आपकी कच्ची। हाँ, तो उसको हमने 700 भेजी है सर, 500 का उनका डिमांड है, हमने उनको 700 भेजी है सिर्फ टेंट। टोटल आइटम्स हैं 21 आइटम्स हैं जो हमने भेजे हैं। हमारे पास अभी फूड आइटम्स का मसला है, वो हमारे DG साहब गए NDMA के पास इस्लामाबाद, वो भी हम जल्द लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उधर जो है हम किसी और के ज़रिए इन चीज़ों को तकसीम नहीं कर सकते, वहाँ हम DCs के ज़रिए ही तकसीम करते हैं। वहाँ DCs पर इल्ज़ाम लगते हैं कि इस DC ने उसका ज़्यादा ख्याल रखा, उसने उसका ज़्यादा ख्याल रखा। मैं ख़ुद विज़िट करके आया हूँ, मैडम भी जाएँ इलाके को देख लें, अगर मैडम को कहीं शिकायत है कि यहाँ सैलाब आया है और DC ने तकसीम नहीं किया है, तो वो हमें रिपोर्ट दे दें, हम DC को भी बुला लेंगे और वहाँ इंशाल्लाह सामान भी भेज देंगे। से मिल चुकी हूँ, मैंने उन्हें NIC लोगों के दिए, पूरा डिटेल दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो उन लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दिया है। देखिए, आपके डिमांड DC के डिमांड से हमने ज्यादा ऑफिसर हो आप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करो, आपको क्या नहीं, नहीं, है? कौन किस पार्टी से? पर बिल्कुल इवन के वो BNP के वोटर्स नहीं है, वो गरीब लोग हैं, उन लोगों की मैंने लिस्ट दी है, वो हमारे वोटर्स नहीं है, वो फिर ये समझ रहा है कि ये BNP के वो है रिजर्व सीट पे आई है, तो उनकी MPA है, तो उनके लोगों को मैं नहीं दूंगा। इस हवाले से आप थोड़ी सी तहकीकात कर लें। इस चीज़ का मैं तहकीकात भी करूंगा, नोटिस भी करूंगा। सैलाब सब लोगों पर आया, इसमें पार्टी को इसमें अहमियत नहीं देनी चाहिए, अहमियत सिर्फ और सिर्फ सैलाब जदगान को देनी चाहिए। इसके बारे में आपकी कोई शिकायत है तो मैं DC को बुलाकर जवाब तलब करूँगा उससे।